खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली जी राम राम। आज हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से वकील सुप्रीम कोर्ट दिल्ली मनोज शोकन जी हैं और लगातार उचियाणा में सक्रिय रहे हैं और समय समय पर आवाज़ भी उठाते रहे हैं और ईब काफ़ी ज़्यादा मूड में भी लग रहे हैं क्योंकि पंजाब जीत कर आए हैं और उसके बाद में काफ़ी माहौल भी गर्म हा है। बातचीत करांगे, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जी। धन्यवाद सोनू बाली जी। तो काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं पंजाब को जीतने के बाद में और कहीं ना कहीं हर चौक पर लिखा हुआ है भाई पंजाब जीत लिया, दिल्ली हमारी है और अब की बार उचाणा इसकी क्या हरियाणा की बारी है। तो इसको सार्थक करने के लिए एक मुहिम सी चल गई है, तो आप इसका बारे में कितना के कुछ कहना चाहोगे? तो सोनू जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और पूरे देशवासियों को सबसे पहले तो पंजाब जीत की बधाई देना चाहता हूं। और दूसरा, आपने जो कहा कि दिल्ली और पंजाब अभी जाती है और पूरा हिंदुस्तान अभी बाकी है, और उसी संदर्भ में हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से पंजाब में सरकार आई है, दिन प्रतिदिन हमारे राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में हरियाणा के बहुत से नेता हैं और आज तो 3 पूर्व विधायकों ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें मैं नाम अगर आप पूछना चाहो तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, लगातार जब नामों की बात आवे या संख्या लगातार बढ़ दी आवे और उचाणा की अगर बात करा, उचाणा में भी एक नाम सामने आने लग रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस बारे में चर्चाएं हो रही हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सके, तो आपने क्या लगा है, आस कह कि नहीं आ सकते वो? देखो सोनू बाली जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आधिकारिक रूप से हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जैसे हम भी सुन रहे हैं, ये तो मड़ाई चाट लोग हैं। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में मड़ाई नहीं मिली भाजपा में, और अब आम आदमी पार्टी में भी हो सकता है ये आ जाए। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी लोगों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी आंदोलनकारी लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी में वही नेता रहेंगे, वही नेता काम करेंगे जो शहीदों के जो सपने थे, आंदोलनकारियों के जो सपने थे, जिन्होंने हमारा देश आज़ाद करवाया, उनके सपनों को लेकर के जो काम करेंगे, जो संघर्ष करेंगे, वही नेता आम आदमी पार्टी में लंबे चलेंगे। और इस ये जो मड़ाई चाट जो लेता है और जो चल रहे कारतूस है, ये ज़्यादा दिन तक आम आदमी पार्टी में नहीं टिकेंगे। क्योंकि आपने वीरेंद्र सिंह की बात की, 50 साल के राजनीतिक जीवन में अब वो 50वां अपना जो मना रहा जन्मदिन, उचाणा के अंदर में पैदा हुआ बड़ा हुआ, उचाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वोटों की राजनीति की, कोई विकास नहीं किया है। और एक मैं खास बात सुनता आ रहा हूँ कि अब की बार वोट दे दो मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा। इसका तो सीएम का ऐसा चस्का है भाई, कौन सी पार्टी बना दो ओड़े बाज ले गई। ओके, तो इसका मतलब सीएम बनने खातर ये उसका पार्टी बदल ले, लेकिन इस बात का तो कौन बेरा, सीएम बनावेंगे कि ना बनावेंगे कि कुछ होगा, तो यह तो बात एक अलग विषय पर चली जावे है। तो बात करा हाँ जब राजनीतिक की, राजनीतिक में के है ऐसा सिस्टम चल रहा है कि कुछ एक लोगों का ही नाम लिया जावे भाई, या पार्टी बनाएगी चाहे या पार्टी बनाएगी, लेकिन उसके बाद में कुछ अलग भी विचारधारा हुई है किसान आंदोलन के बाद में। आपने लगा है कि यह वास्तव में धरातल पर कुछ बदलाव आने लग रहा है? ये तो आप भी देख रहे हो कि बदलाव आने लग रहा है। पंजाब चुनाव आपने देखा और मैंने तो 10-14 में और उससे पहले दिल्ली चुनाव देखा है कि इसी तरह जैसे पंजाब में बड़े बड़े सल्तनतधारी, जिसको हम बोला है, बड़े बड़े राजघराने जिन्होंने इस अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश की सत्ता पर काबिज हो और इस देश को लूटने का काम किया, दिल्ली में बड़े बड़े किले हमने ढाए, और ताजा उदाहरण पंजाब का है। और हरियाणा की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति भी होगी, काम की राजनीति होगी, काम करने वाले नेताओं को लोग अब पसंद करने लगे, पढ़े लिखे बच्चे, इंटरनेट का जमाना है, अब ये धर्म जात और गोत की राजनीति करने वाले लोग नहीं रहेंगे, और जो काम करेगा देश में वही राजनीति करेगा। तो आपने कही है धर्म जात और गोत की राजनीति, जो जातिगत राजनीति है वो करने वाले, इसका मतलब आज भी जो सत्ता में स्थापित हैं वो खुद भी क्या जातिगत राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप देख लेना, योगी का उदाहरण आपके पास, हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, इस तरह की बातें कर रहा। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और आपने देख भी लिया लोग कैसी राजनीति इस देश में चाह रहे हैं, हमारा सपना है कि भगत सिंह के सपनों का भारत बने,
बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत बने, और भगत सिंह का तो सपना था, और उसके साथ हमारे क्रांतिकारियों का सपना था कि आज़ादी के बाद हमारा देश भारत ऐसा होगा जिसमें कोई भूखा नंगाई प्यासा नहीं सोएगा, आज़ादी के बाद हमारा देश ऐसा होगा जिसमें रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा सुरक्षा और सम्मान की गारंटी होगी, आज़ादी के बाद हमारे देश में सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग प्रेम प्यार और मोहब्बत से रहेंगे, नफरत का इस देश में कोई काम नहीं रहेगा। तो आज कैसी राजनीति है, कहीं धर्म के नाम पर झगड़े, कहीं जाति के नाम पर झगड़े, और कहीं गोत के नाम पर झगड़े, और यही राजनीति। उचाणा की अगर बात करा, उचाणा में ही आप हो, उचाणा में भी राजनीति बड़ा टकराव पर हुआ है, हमेशा ही बड़ा एक, क्योंकि जो बड़े अपने आप में धुरंधर हैं उनकी टक्कर हुआ है, और आगे आम आदमी पार्टी भी उचाणा में इस चीज का अपना वर्चस्व लहराने की कोशिश करेगी कि भाई यहाँ पे भी बदलाव आना चाहिए। क्या संभव है कि इन घरानों की जो नींव को तोड़ के ना आप अपना जो यहाँ पे स्थापित कर लोगे? हमने तो आंदोलन से देख लिया था कि अपने आप में द्वंद्व समझने वाले लोग हैं, और हमने तो दिल्ली में प्रैक्टिकल किया, पंजाब में प्रैक्टिकल किया, और आपके चैनल के माध्यम से लिख लो कि उचाणा के अंदर, स्पेशली उचाणा का आपने सवाल किया, उचाणा के अंदर भी बदलाव की राजनीति होगी, ये जो प्राइवेट कंपनियां उचाणा में डटी हुई हैं इनका नामो निशान नहीं होगा, इस बात को बिल्कुल रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन दूसरी तरफ दावा कराया जाने लग रहा है कि यह सरकार बहुत काम करने लग रही है, पूरा डिप्टी सीएम खुद यह बात कहे है कि उचाणा को चमका दिया जाओगा तो बढ़ेगा, उचाणा तो बदलेगा हरियाणा, स्त्रियों की बात निकल कर सामने आने लग रही है, तो क्या वास्तव में उचाणा बदलने लग रहा है? बाबूजी आप भी उचाणा में रहते हो, मैं उचाणा में आपको बताना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में जाके देख लेना एक भी डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जाओ पूरे स्टाफ नहीं है, और कहाँ उचाणा बदला है, एक भी नई सड़क नहीं बनी है, एक भी नया विकास कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसके जो चाटुकार लोग हैं उनकी जेबें भरने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया है, उनकी जेब, अगर दूसरी तरफ हम वीरेंद्र सिंह को कहें कि उनके जो चाटुकार हैं उनकी जेबें भरने का काम वीरेंद्र सिंह ने किया, एक भी उचाणा के अंदर अच्छा स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल की ऐसी व्यवस्था है, तहसील में जाओ कर्मचारी नहीं है, तहसीलदार नहीं, कभी इधर कभी उधर, व्यवस्था खराब है, कोई शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की कोई बात नहीं है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, तो मैं तो मानता नहीं कि यहाँ कोई विकास हुआ, सिर्फ अपनी जेबें भरने की बजाय, और कभी देवीलाल ने राजनीति की, फिर चौटाला ने, फिर दुष्यंत चौटाला, ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, और इसी तरह चौधरी ने की राम वीरेंद्र सिंह और फिर विजेंद्र सिंह, ये तो अब की बार मेरे हिसाब से फिर फुल फॉर्म में हो आम आदमी पार्टी वाले कि भाई अब की बार कुछ न कुछ यहाँ पे अलग तक जलवा करके दिखाने की उम्मीद है, तो इसका बीच में आपने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सका है वो बता सको हूँ कि इसका बीच में ये मेन चीज ये है भाई, ये बीच में तो हटानी पड़ेंगी। कोई कठिनाई नहीं आएगी, हमने तो देख लिया 10 साल के राजनीतिक जीवन में, 10 साल संघर्ष किया, कोई कठिनाइयाँ नहीं आऊँगी, बिल्कुल क्लीन स्वीप कराएंगे जैसे दिल्ली में और जैसे पंजाब में हम लोगों ने किया। सिर्फ और सिर्फ मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, उचाणा विधानसभा वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ईमानदार राजनीति को वोट देना, काम की राजनीति को वोट देना, स्वच्छ राजनीति को वोट देना, हम दिल्ली जैसे बदली है वैसे पंजाब को बदलेंगे और हरियाणा में को बदल के दिखाएंगे, रोजगार की व्यवस्था यहाँ करेंगे, स्कूलों की व्यवस्था करेंगे, बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं उनकी व्यवस्था करेंगे, पूरी के पूरे देश को बदलने का काम करेंगे। और ये बताना चाहता हूँ जैसे यूक्रेन का मामला अभी नया नया है, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे इस देश के अंदर कि हमारे देश में लोग पढ़ने आएंगे, हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए अपील ये है कि जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं, जो सत्ताधारी नाग हैं, जो बड़े बड़े घराने अपने आप को कहते हैं, इन किलों को ढाने का काम करेंगे आप लोगों की मदद से। धन्यवाद मनोज जी। तो किस प्रकार तय बड़ी उम्मीद के साथ में पंजाब जीत्या है, जबकि केजरीवाल जी खुद 80 का आंकड़ा ले रहे थे, उस तय भी कुछ न कुछ 9-10 सीटें फालतू ले हैं, कम नहीं रही है, और एक बड़ी मजबूत 80 के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी जीतने के बाद में, और मेरे हिसाब से हरियाणा में भी एक अलग मूड के साथ में ही राजनीति की शुरुआत होगी 2024 के लिए। तो देखने वाली बात यह है कि कितना अच्छा परफॉर्म हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी कर पावे है, उसके कार्यकर्ता कर पावे हैं, और जनता किस ओर अपना वोट है वो डाल है, अपनी जो राय है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।